दोस्तों, दुनिया में अजीब नियमों और सनकी सोच के लिए नॉर्थ कोरिया का मजाक उड़ता रहा है, लेकिन आपको बता दें कि उसका पड़ोसी देश साउथ कोरिया भी सनक में पीछे नहीं है। साउथ कोरिया भी अजीब नियमों और सनकी सोच के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अंधविश्वास के साथ साथ पूजा पाठ भी बहुत करते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे 5 ऐसे अजीबो गरीब नियमों के बारे में जो साउथ कोरिया को और देशों से अलग बनाता है। नंबर 5, रेड इंक को मानते हैं खून। यहाँ के लोग रेड इंक का इस्तेमाल करने से डरते हैं। इस बारे में साउथ कोरिया के लोगों की ऐसी मान्यता है कि रेड कलर खून का रंग होता है, इसलिए इसे व्यक्ति की मृत्यु का सूचक माना जाता है। इसी वजह से यहाँ के लोग रेड कलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नंबर 4, एक सरनेम वाले कपल्स नहीं कर सकते शादी। दोस्तों, साउथ कोरिया के रिवाज के मुताबिक एक सरनेम वाले लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। यहाँ ऐसी मान्यता है कि एक सरनेम के लोग यदि शादी करते हैं तो ब्लड अशुद्ध हो जाता है। नंबर 3, 4 नंबर को माना जाता है मनहूस। आपको बता दें कि साउथ कोरिया में लोगों के अंदर नंबर 4 को लेकर बहुत खौफ होता है। यदि किसी के मुंह से नंबर 4 सुन लिया तो लोग बहुत डर जाते हैं। यहाँ तक कि साउथ कोरिया की किसी भी बिल्डिंग में, चाहे वो हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस या कोई भी इमारत हो, वहाँ 4th फ्लोर नहीं होता, क्योंकि दरअसल ये 4 नंबर को मौत का नंबर मानते हैं और इसे बहुत ही मनहूस समझते हैं। नंबर 2, पुरुषों की ब्यूटी पर किया जाता है फोकस। दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ कोरिया के मर्द मेकअप पर हजारों रुपए खर्च करते हैं। यहाँ कई ऐसे टीवी चैनल शो हैं जो मर्दों के लिए ब्यूटी टिप्स पर फोकस करते हैं। नंबर 1, यहाँ बच्चा पैदा होते ही हो जाता है 1 साल का। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में ये अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। दरअसल दोस्तों, साउथ कोरिया में बच्चा पैदा होने पर ही बच्चे की उम्र 1 साल की मान ली जाती है। यहाँ का कानून ही ऐसा है। कानूनी तौर पर यहाँ का हर आदमी अपनी असली उम्र से 1 साल बड़ा होता है।